दोस्तों, जो लोग पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 सालों का विगत वर्षों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। व्यापम पटवारी भर्ती परीक्षा 2016, 17, 19 का या पटवारी परीक्षा का पेपर है जो आपको किस पैटर्न पर आ सकता है इसकी पूरी मदद करेगा। वीडियो में मेरे साथ चलते रहें। कहीं भी आपको डाउट लगे तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जुड़े रहें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको डेली वेपन की तैयारी कराया जाता है। इस चैनल पर कराया जाएगा 8 मार्च से। इस चैनल पर वेपन की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। यहां पर पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई है? तो ऑप्शन सी होगा, आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, स्वास्थ्य सेवाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, रविशंकर शुक्ल सम्मान समाज सेवा के लिए दिया जाता है, ऑप्शन सी होगा। इस राज्य के परंपरागत घुमंतू जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? तो आप सभी को पता है देवार गीत से संबंधित है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ जनजाति से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आंसर भी होगा धुरवा। धुरवा छत्तीसगढ़ जनजाति परब लोक नृत्य से संबंधित है। आप सभी को 15-15 करके 45 क्वेश्चन कराऊंगा। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वह भरथरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सितार वादक, जो कि पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य के प्रथम महिला सांसद सदस्य इनमें से कौन थी? तो इसका आंसर डी होगा, मिनी माता। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया है? तो आप सभी को पता है कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले कलचूरी वंश है, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले संबंधित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि देखिए यहाँ पर बिंबाजी से संबंधित नहीं है, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य के समस्त कर रियासतें भारतीय संसद में सम्मिलित की गई है? तो इसका आंसर डी होगा, जनवरी 1948। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? तो इसका आंसर ये होगा, मैन पार्ट, जो कि व्यापम द्वारा लिया गया है, आंसर आ जाएगा मैन पार्ट। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखे, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। देखे यहाँ पर सारंगढ़ आएगा, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। लोकसभा क्षेत्र के लिए कौन नहीं है, सारंगढ़। अगला प्रश्न है, इस राज्य के 2019-20 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कितना धनराशि आवंटन किया गया है? तो कितना राशि आवंटन किया गया, 21,597 करोड़, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी की 51% भागीदारी है? आप सभी को पता है, आंसर सी होगा, स्टारलाइट कंपनी, जो कि 51% भागीदारी है।
देखिए यहाँ पर आप सभी को 15-15 करके 45 क्वेश्चन कराया जाएगा 3 सालों का विगत वर्ष के लिए। मैं बस पौधों को पानी डाल रहा था। देखिए अगला प्रश्न है, इस राज्य के कहाँ कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? तो गज किला किसको कहा जाता है? रतनपुर को, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह अयस्क का सर्वाधिक विस्तृत भंडार विद्यमान है? तो इसका आंसर कौन सा होगा, आप सभी को पता है, इसका आंसर जल्दी से बताएं, सी होगा, बेलाडीला। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग अस्तित्व में नहीं है? तो इसका व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, बस्तर दशहरा में जोगी मिठाई किसे कहा जाता है? तो जोगी मिठाई किसे कहा जाता है? मंदिर में कलश स्थापना, यानी कि इसका ऑप्शन डी होगा, मंदिर में कलश स्थापना, जो कि जोगी मिठाई कहा जाता है। कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रथम मराठा शासक कौन है? बिंबाजी भोसले, इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्पकला है? तो इसका आंसर बी होगा, कंडरा, जो कि बांस शिल्पकला है मुख्य कार्य। अगला प्रश्न है, इस राज्य में 1942 के रायपुर संयंत्र केस में निम्नलिखित कौन शामिल था? तो कौन शामिल था? परशुराम सोनी, इसका आंसर सी होगा, परशुराम सोनी 1942 के संयंत्र केस में शामिल था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस वर्ष में राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत का एक संभाग सम्मिलित किया गया है? तो 1862 होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया था? तो इसका आंसर ए होगा, 1818 ईस्वी में राज्य की राजधानी बनाया गया था रायपुर को। अगला प्रश्न है कि राज्य के प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए, राजसी तुल्यकुल, जो कि राजवंश में सर्वप्रथम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जमींदारी से इस राज्य का प्रथम शहीद नारायण संबंधित था? तो शहीद नारायण कौन से संबंधित था? देखिए यहाँ पर आंसर डी होगा, सोना खान से संबंधित है, वीर शहीद नारायण सिंह। इस राज्य में बस्तर का पठार का प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? आंसर ए होगा, इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न है, इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला के राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से कौन थे? तो कौन थे यहाँ पर, देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी होगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है कि राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर का परियोजना स्थित है? तो कहाँ है? महानदी पर, ऑप्शन ए होगा, महानदी। अगला प्रश्न है, इस राज्य के किस जनजाति का त्यौहार सरहुल है? आपको सभी को पता है कि सरहुल कौन से त्यौहार में मनाया जाता है, कौन सा है इसका जनजाति? उराव, ऑप्शन ए होगा, उराव जनजाति के लोग सरहुल मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, सरगुजा के मैन पार्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है यहाँ पर? लौह अयस्क, सॉरी, बॉक्साइट पाया जाता है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, बॉक्साइट पाया जाता है सबसे ज़्यादा मेन पार्ट में। राव घाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइए, आंसर डी होगा, लौह अयस्क, इसका पाया जाता है राव घाट के साथ। वॉच, वॉच के साथ स्टोल, स्टोल के साथ, अरे फ्लिप मैच करो, वुमेन्स एक्सेसरीज अब लोएस्ट प्राइस में। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि अबुझ माड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? तो कौन सी उपजाति है? गोड़ एक उपजाति है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस राज्य की विशेष परंपरागत विनिमय विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विनिमय विवाह को गुरावट विवाह के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर सी होगा, गुरावट।
वनाच्छित के क्षेत्र के लिए इस राज्य का भारत में क्रम कौन सा है? तो कौन सा क्रम है? दूसरा क्रम है, तो इसका आंसर तीसरा क्रम है, तो इसका आंसर सी होगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है, वनाच्छित के लिए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014-15 के लिए इस राज्य के सरकार को किसी उत्पाद के लिए राष्ट्रीय कर्मण पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा होगा? इसका आंसर डी होगा, दलहन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था? तो सोमेश्वर देव को कौन पराजित किया था? जाजल्य देव प्रथम ने, इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन स्थान था? तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी रतनपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा रतनपुर। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना के सहायता की जिसे 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया? तो इसका आंसर डी होगा, देवरी, देवरी में देखिए जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया गया था। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होमरूलूल रिंग की शाखा स्थापना की थी? तो होमरूलिंग की शाखा स्थापना किसने की थी, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर इसकी स्थापना रविशंकर शुक्ल ने की थी, इसका आंसर ए होगा। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कौन से जिले से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी जसपुर, इसका आंसर कौन सा होगा? जसपुर, है ना, कर्क रेखा जसपुर जिले से होकर गुजरती है। ओके, अगर ऑप्शन में अलग दिया रहता तो आप उसको अलग लगाते, लेकिन यहाँ पर जसपुर दिया गया है तो आप जसपुर को ही आंसर लगाएंगे। व्यापम ने आंसर लिया है जसपुर को। कर्क रेखा कौन कौन सी जिले से होकर गुजरती है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी तीज इस राज्य की अविवाहित लड़कियों द्वारा बैसाख माह में मनाई जाती है? तो कौन सी है? उपयुक्त में से कोई नहीं, सारंगढ़ एवं रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मानित इस राज्य के संगीतकार कौन थे जिन्हें हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी? तो कौन है? ऑप्शन बी होगा, पंचकोट प्रसाद पांडे, पंडित पंचकोट प्रसाद पांडे है जो हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त की। ओके, अगला प्रश्न है, इस राज्य की बोली में रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन के गीतकार इनमें से कौन थे? तो कौन है यहाँ पर सुरता के चंदन के गीतकार? हरि ठाकुर जी हैं, इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014-15 में इस राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2004-05 के स्थिर कीमतों पर खनिज क्षेत्र का क्या योगदान है? तो इसका आंसर ए होगा, 9.28%। यहाँ पर इसका आंसर कौन होगा? आंसर ए, 9.28%। दोस्तों, जो लोग व्यापम या पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर पटवारी सिलेबस के अनुसार पूरा सिलेबस वाइज आपको पूरा पैटर्न के आधार पर क्लास कराया जाएगा। पटवारी का एग्जाम सिर्फ 1 महीना बचा है, डेली क्लासेस करते रहें।